सैयदना शाहउद्दीन कादरी अरे रहमत और इरफान जब तशरीफ ले गए अपनी ससुराल पर होने से पहले आपकी सियादत के बारे में जब जांचा गया आपका रिश्ता तय होने वाला था और जब आप होने वाली ससुराल में पहुंचे और वहां लोगों ने जांचना चाहा कि आप सैयद हैं कि नहीं हैं तो पूछा गया आप सैयद हैं फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयद हूँ कहा क्या दलील है सैयद होने की कहा एक अंगेठी ले आइए आग जला करके एक अंगेठी में लेकर के आइए कहा उसको क्या कीजिएगा कहा उसी के जरिया दलील दूंगा दलील उसी के जरिया दे दूंगा कि मैं सैयद हूँ कि सैयद नहीं हूँ अंगेठी लाई गई आग में रखी हुई है आग उसमें रखी हुई है आपने अपने चेहरे से एक बाल निकाला और निकालने के बाद उसी आग में डाल दिया और कहा देखते रहो अगर मैं रसूल पाक की सच्ची औलाद में होऊंगा तो इंशाल्लाह इस बाल का ये आग फेंका नहीं कर सकती है और इतने ही में लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो बाल एक बाल का टुकड़ा जो जाते ही आग में चुल छुलक जाता है वो अपनी जगह पे बरकरार है और जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने भी अपना एक बाल डाला दोनों बाल चिमट गए एक दूसरे से चिपक गए और लोगों की आंखों ने देखा कि न इधर का बाल जला न उधर का बाल जला लोगों ने कह दिया यकीनन आप रसूल पाक की औलाद से हैं आपने खुद ये दलील दे दी रिश्ता तय हो गया आप मुझे बताइए कि जिसकी शान ये हो कि आप जिसका बाल न फेंका कर सके ये बताइए क्या शैतान वहां पहुंचने की जुरात कर सकता है इसीलिए यहाँ आसिफ सदा आते हैं ताकि इनके सरिया जहन्नम में इन आसेबों को चला करके और मरीज को छिपा दी जाए ये काम हजरत सीदना शाह अलाउद्दीन कादरी आज भी बैठकर आज भी आराम फरमाकर अपने मजार मुबारक से कर रहे हैं और दुनिया वाले अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दो बरकात का ये मैखाना लोगों को जाम पिलाता नजर आ रहा है कादरी लगा हुआ है।